पश्चिमी चंपारण बिहार कोरोना महामारी के दौरान नवोदय विद्यालय वृंदावन के छात्रों की अगुवाई में लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव को देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों हेतु राहत सामग्री का वितरण शुरू किया गया। सिंगाछा पर निवासी इमाम हसन ने कुल 1200 रुपए जुटाए और राहत कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन आज इनकी लगन और निरंतरता के कारण इन्होंने लाखों रुपए की सामग्री का वितरण कर दिया है। डिजास्टर रिलीफ वॉरियर नाम से इन छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बनाया गया एवं बेतिया मझोलिया बैरिया प्रखंड के हर गांव में घूम घूम कर वहाँ के गरीब परेशान लोगों की सूची बनाई गई। इस ग्रुप के तहत अब तक बैरिया प्रखंड के तुमकड़िया भटवलिया पटखौली सिसवा सरैया बेतिया प्रखंड के सिंगाछा पर लालगढ़ खसुआड़ कालीबाग लाला टोला उसी प्रकार मझौलिया प्रखंड के बसरा धुकराहा चैता जैसे लगभग 25 गांव में लाखों रुपए के लागत से खाने पीने का सामान कपड़ा पैसा आदि बांटा जा चुका है। इस ग्रुप के सभी सदस्य जैसे इमाम हसन आदित्य कौशल ओशो संदीप अब्दुल करीम हामिद गद्दी फूल मोहम्मद नितेश कुमार मौर्य हर गाँव से लोगों की लिस्ट मंगाने फूड किट्स तैयार कराने और उसे घर घर तक पहुंचाने तथा सामर्थ्य लोगों से राहत के रूप में कुछ धनराशि का आग्रह कर सेवा हेतु हमेशा तैयार रहते हैं। पूर्व में भी नवोदय के छात्रों ने ऐसे काम किए हैं जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली हैं और आज फिर 18 से 20 वर्ष के इन बच्चों ने समाज को विचारने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी ऊर्जा इनमें आई कहां से। इन छात्रों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पश्चिमी चंपारण बिहार।